ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। घुमारवीं उपमंडल की पंचायत कसारू के गांव कलोह के रहने वाले एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। व्यक्ति की पहचान संजीव कुमार पुत्र स्वर्गीय जगन्नाथ उम्र 45 साल गांव कलोह जिला बिलासपुर के रूप में हुई है। ये व्यक्ति नेशनल हाईवे 103 शिमला धर्मशाला निहारी में अपनी सीमेंट की दुकान करता था तथा दुकान के नीचे बने हुए कमरे में मृत अवस्था में पाया गया। घुमारवीं थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया तथा शव का सिविल अस्पताल घुमारवीं में पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया है। परिजनों ने किसी भी तरह का किसी के ऊपर संदेह व्यक्त नहीं किया। घुमारवीं उपमंडल की पंचायत कसारू के गांव कलोह के रहने वाले एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। व्यक्ति की पहचान संजीव कुमार सुपुत्र स्वर्गीय जगन्नाथ उम्र 45 साल गांव कलोह ढाकखाना नसबाल तहसील घुमारवीं जिला बिलासपुर के रूप में हुई है। ये व्यक्ति नेशनल हाईवे 103 शिमला धर्मशाला निहारी में अपनी सीमेंट की दुकान करता था तथा दुकान के नीचे बने हुए कमरे में मृत अवस्था में पाया गया। रात को वह अपनी दुकान बंद करके नीचे कमरे में सो गया था तथा जब दुकान बंद देखी गई तो लोगों ने घर वालों को सूचना दी। परिवार वालों ने जब आकर देखा तो दुकान के नीचे कमरे में मृत पाया गया है। घुमारवीं थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया तथा शव का सिविल अस्पताल घुमारवीं में पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया है। परिजनों ने किसी भी तरह का किसी के ऊपर संदेह व्यक्त नहीं किया है। थाना प्रभारी राकेश राय ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि निहारी में एक सीमेंट की दुकान में काम करने वाला व्यक्ति कमरे में मृत पाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर हर पहलू को ध्यान में रखकर छानबीन की जा रही है। आज दिन में करीब 2:20 थाना पर सूचना प्राप्त हुई कि निहारी में मृतक संजीव कुमार सनफ जगन्नाथ निवासी गांव का लोग डाखरा नसवाल उम्र 45 वर्ष अपनी दुकान में मृत अवस्था पड़ा हुआ है, जिस पर पुलिस की टीम मौके पर गई, मौके पर अपनी कार्रवाई की, लाश का निरीक्षण किया और लाश को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल घुमारी ले गई। छानबीन पर अभी तक ये पाया गया कि परसों रात को वहाँ पर अपनी दुकान में अपने घर से आया था तथा उसके बाद अपने घर नहीं गया था और आज जब उसकी पत्नी दिन में दुकान में पहुंची तो वहाँ पर उसने जब जो कुंडी लगी हुई थी फिर उसने पड़ोसियों की मदद से कुंडी खुलवाई तब अंदर जाकर देखा कि कमरे में लाश पड़ी हुई है। तो अभी तक किसी भी प्रकार का कोई शक शुबा ना पाया जा रहा है, तो कार्रवाई इसमें अंतर्गत धारा 74 CRPC लाई जा रही है। जैसे भी सूरत कार्रवाई